हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी आई थी और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो इसके इस वीडियो के बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि टाइपिंग आपको किस फंड में करनी है और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी को मैं आज शेयर करूँगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है। चूँकि पूरी बात बतानी है हमें, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बात लेकर आया हूँ कि 40% अनिवार्य है। क्या है आखिर में ये 40%? ठीक है, तो इसमें आपको ये अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आपका नंबर अगर 40% आता है, मतलब कि 200 नंबर के आपके क्वेश्चन टोटल हुए थे, पेपर थे, इसका आपके पास 40% अगर नंबर आ जाता है आप, तो आप क्वालिफाई हैं। मतलब किसके लिए क्वालिफाई हैं? तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हैं, मतलब कि आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। 80 नंबर अगर आपका आता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, 80 नंबर अगर आपका आता है तो आप क्वालिफाई हैं टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग आपको किस फंड पर करना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इसके बाद चलिए अब मैं ये बताता हूँ कि किसकी किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड होगी। और यहाँ देखिए दिया हुआ है ओबीसी, ओबीसी के लिए मैंने यहाँ पर 105 से 115 बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये आपका यहाँ पर एक नोटिस आया था कि नॉर्मलाइजेशन भी होने के चांसेस हैं, तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो जिनका 90 नंबर भी आ रहा है तो उनका भी 110, 105, 115 जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर दो शिफ्टों में हुआ था और दोनों शिफ्टों में पेपर कुछ में थोड़ा उतार चढ़ाव था, पेपर में कुछ क्वेश्चन हार्ड थे और कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो एससी कैटेगरी की होगी तो वो 95 से 102 के बीच में नंबर जाएगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी रहेगी। और एसटी की बात करें तो एसटी में 90 से 98 की कट ऑफ जा सकती है। और गर्ल्स की बात करें, चूँकि गर्ल्स का 95 से 105 नंबर जाने की संभावना है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि गर्ल्स के लिए 20% का आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो उनके लिए 2% का मतलब कि आरक्षण दिया गया है, 2%। और सैनिकों के लिए 5% आरक्षित किया गया है। इसके बाद महिलाओं के लिए तो 20% मैं बता दिया हूँ। तो जो ये सब कैंडिडेट आ जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक वाले, तो वो सब एक्स सर्विसमैन्स में, उनकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपका करीब 90 के आसपास में बनेगी, 90 से 95 के बीच में उनका कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ से रिलेटेड बात हो गई। चूँकि ये कट ऑफ अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है, और लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इतनी जाने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार जब 2013 में एग्जाम्स हुए थे तो उससे देखते हुए उस क्योंकि उस समय सीट भी बहुत ज़्यादा थी, और इस बार सीट बहुत कम है और ये बैकलॉग भर्ती होगी, तो उन सभी को देखते हुए ये कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइपिंग की। तो टाइपिंग में आपका किस तरह का क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह का टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग में बात करते हैं, हिंदी के लिए आपको 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग करना अनिवार्य है उसमें, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपको करना है। ठीक है, और इसमें अगर आपका 85% अगर आपका एरर फ्री है, अगर टाइपिंग आप करते हैं, मतलब कि 15% आप गलत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपका गलत होता है तो आपको यहाँ से फेल कर दिया जाएगा, आप टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 85% शुद्धता के साथ आपको टाइपिंग करना अनिवार्य है, और 40% नंबर जिनका आ जाता है तो वो लोग टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और इसमें पूछा जाएगा आपका जो हिंदी में टाइपिंग किया जाएगा वो यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर टाइपिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का मैंने जो बताया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक करने के आपको किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लगते हैं।
और जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।